हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने पहले ब्लॉग में। गाइस, मेरा नाम विकास है और प्रोफेशनल से मैं टीचर हूँ, प्रोफेशनल से। और मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ अपने विद्यालय का दृश्य, जो कि एक छोटे से गांव में है और यहाँ पर एक घना जंगल है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सर्दी के सर्द हवाओं के बीच मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत बड़ा फील्ड दिखाई देगा आपको। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही इंटरनल में है ये गांव, देख सकते हैं। और आपको दिखाई देगा यहाँ पर इधर पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच आप देख सकते हो। देखिए गाइस, यहाँ पर दूर दूर तक इधर पहाड़ और कोहरा दिखाई देगा आपको, देख सकते हैं इधर। पेड़ और पहाड़ों के बीच यहाँ पर हमारा विद्यालय है, देख सकते हैं गाइस। ये मेरी बाइक यहाँ पर खड़ी हुई, आप देख सकते हो। बड़े बड़े मैदान आपको दिखाई देंगे, बड़े बड़े पेड़ है इधर, और इधर एक गांव है इंटरनल ग्रामीण एरिया है पूरा परिवेश, और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर दिखाई देगा आपको। कोहरों के बीच कोहरों से सना हुआ पहाड़ी आप देख सकते हो, यहाँ पर जंगली पूरा एरिया है और काफ़ी ब्यूटीफुल भी है, काफ़ी अच्छा लगता है। इंटरनल है और कोहरा छाया हुआ है। तो गाइज, आपको बाकी का मैं रास्ते में दिखाऊंगा आपको, मेरा जो जंड का एरिया है इधर का पूरा आपको ब्यूटीफुल दृश्य में दिखाऊंगा गाइज। तो आप वेलकम गाइज, तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, हम स्कूल से निकल चुके हैं और अब मैं घर जा रहा हूँ। और बीच का नज़ारा बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है इधर का, पहाड़ी क्षेत्र हैं, बहुत सारी फसलें हैं। अभी सरसों के खेत चमक रहे हैं, बढ़िया फूले फूल दिख रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर पीले पीले फूलों से खेत बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ का। देखिए गाइज, देख सकते हैं आप ब्यूटीफुल खेत, इसके बीच में बड़ा बीचों बीच पेड़ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको हमेशा देखते रहता हूँ। देखते इधर पहाड़ी क्षेत्र, कोहरा छाया हुआ है बहुत ज़्यादा, ठंड आज बहुत ज़्यादा है सर्दी, और ये नज़ारा देख सकते हो। ये मेरी बाइक है, हेलमेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत खतरनाक नज़ारा दिख रहा है। ऊँचे ऊँचे पहाड़ है, चोटियाँ हैं, हमारा क्षेत्र पूरा पहाड़ी इलाका है इधर का, और काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देख सकते हो आप, ये सबसे के पेड़ फूल लहर आ रहे हैं। तो गाइस, ऐसे ही मज़ेदार सीन्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और अभी मैं आपको और दिखाने वाला हूँ रास्ते में, तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। सो गाइस, वेलकम फिर से। और पहले मैंने जो बोला था, मैं मेरे गांव के पहले रास्ते में मेरी मौसी का गांव आता है, और यहाँ का मैं खेत पे आ चुका हूँ अपनी मौसी के, और आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा, बहुत ही शानदार नज़ारा है। देखो गाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फसलें, सरसों के खेत देखने को मिलेंगे। DDLG की याद आ गई होगी आपको, देख लीजिए ये बहुत बड़ा पेड़ है गाइस। जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तब से मैं इसको देख रहा हूँ, ये पेड़ ऐसा का ऐसा ही है, और इसको काफ़ी साल हो गए, बहुत पुराना पेड़ है। देखो गाइस,
देखे गाइज, हमने यहाँ पर चढ़ने के छोटे छोटे पेड़ तोड़ लिए पौधे, और हम इसे खा रहे हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। इनको अपनी भाषा में चने के डीरे बोलते हैं, हाड़ौती में, देख सकते हो आप। सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप भी फाइनली गाइस मैं घर आ चुका हूँ, देख सकते हो। मिलेंगे अगले व्लॉग में। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सपोर्ट करो अपने चैनल को। ऐसे ही बेहतरीन व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।